हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशा अजवल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग एक मीठी सी रेसिपी के साथ। तो जैसे कि अभी सर्दी भी जाने ही वाली है, तो गाजर भी ख़त्म हो जाएंगी जल्दी ही। तो चलिए गाजर के जाने से पहले बना लेते हैं एक बार फिर से गाजर पाक एक डिफरेंट वे से। और मैंने क्रिसमस पर मैंने बनाया था तो काफ़ी अच्छा बना था और काफ़ी सारे मुझे कमेंट भी आए थे, तो काफ़ी अच्छा बना था। और तो आज मैं बनाऊंगी थोड़ा सा डिफरेंट वे से। तो चलिए गाजर को मैंने धो लिया है, कद्दूकस कर लिया है, और अब मैंने यहाँ ले लिया है कढ़ाई। तो थोड़ी सी क्वांटिटी मैं कम ही रखूँगी क्योंकि मीठा कम ही खाते हैं, तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो कढ़ाई मैंने ले ली है, गरम कर लिया है कढ़ाई को, और उसमें मैंने डाल दिए हैं 2 टेबलस्पून छोटे वाली घी। और अब इसमें मैं डाल दूंगी लाल लाल गाजर, और देख रहे हैं ना गाजर कितनी लाल लाल है और मीठी भी है, तो गाजर पक्का टेस्ट ही अलग आएगा। तो घी डालने का मेरा पर्पज़ यही है कि ताकि जब हमने इसमें गाजर डाली है तो गाजर का जो टेक्स्चर होता है ना वो एक अच्छा सा टेक्स्चर बना रहे। फ्लेम को रखेंगे हम सिम टू मीडियम फ्लेम पर, और अगर हम फुल पर रखेंगे तो गाजर जल जाएंगी। और हमें इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक हमें इसको अच्छे से भुनना है। भुनने का मतलब यही है कि जो इसका पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। 3 से 4 मिनट इसको हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल कलर भी चेंज हो गया है। कड़छी लगातार चलाते रहें, अगर हम कड़छी से इसको गाजर को नहीं हिलाएंगे तो गाजर जल जाएगी और नीचे लग जाएगी, तो उसका वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो हमें इसका मेन पर्पज़ यही है कि गाजर को सॉफ्ट करना है और जो इसका एक्सेस में जो पानी होता है ना वो सारा हमें इसको निकालना है। तो अब इसको फ्लेम को मैं थोड़ा सा और कम कर दूँगी और तब तक मैं कर लेती हूँ दूसरी तैयारियाँ। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका ये चॉइस रहेगा कि आप इसमें मिल्क डालें या ना डालें, तो लेकिन मैं आज इसमें दूध डालूंगी, थोड़ा दूध डालूंगी। तो मेरे पास 1 केजी के आसपास मेरे पास गाजर थी, तो मैंने 1/2 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने दूध लिया है, 1/2 केजी के आसपास दूध रहेगा। तो दूध मैं इसमें आज कम ही डालूंगी। तो मैंने जो लास्ट वीडियो में बनाई थी तो उसमें मैंने दूध की क्वांटिटी मैंने डबल ली थी, तो वो भी एक अलग सा उसका टेस्ट था। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में है। तो देखिए गाजर ऑलमोस्ट अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं और पानी भी इनका निकल गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी रहेगा, तो इसलिए मैंने अभी इसमें डाल दिया है। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आपको इसमें डालनी है शुगर। शुगर डालने का पर्पज़ यही है कि जो शुगर का भी शुगर डालने के बाद गाजर में जो पानी होता है वो सारा निकल जाएगा। और इसको 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम देखेंगे कि इसकी तली में काफ़ी सारा पानी आ गया है, और चीनी डालने के बाद पानी आ जाएगा, तो वो सारा हमें पानी इसको सुखाना है। तो देखिए पानी आ गया, तो इसको 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि पानी को हमें ड्राई करना है। और अच्छे से जब ये पानी ड्राई हो जाए, गाजर ड्राई हो जाए, तो इसके बाद हम फिर इसमें डालेंगे दूध। दूध आपका टोटली आपकी चॉइस पर रहेगा कि आपको प्रॉपर खोए में बनाना है या आपको दूध में बनाना है, तो मैं दोनों चीज़ें डालूंगी। तो इस उस पर मैंने इसमें डाल दिया है दूध, तो आप इसमें फुल क्रीम दूध लें। ये मैंने डाल दिया इसमें 1/2 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो मैंने डाल दिया है दूध। और अब मैं इसको 3 से 4 मिनट तक और मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। और ये देखिए कलर इसका कैसे अब धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, तो हमें इसको बिल्कुल ड्राई करना है। तो फुल पर ना पकाएं, क्योंकि अगर आप फुल पर पकाएंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको आप बिल्कुल सिम टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएँ, ताकि इसका जो एक टेस्ट आता है ना कटने के बाद वो एक डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है खोआ, तो खोआ भी डिफरेंट टाइप्स में आता है। एक दानेदार खोआ आता है, एक टिक्की वाला खोया आता है। तो दानेदार वाला नहीं मिला मुझे, तो मुझे अभी यही मिला। तो अभी मैंने इसको, आप इसको कद्दूकस भी कर ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से ही इसको थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लूँगी। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो कद्दूकस करने में थोड़े से इसके लच्छे से आ जाएंगे लंबे लंबे से, तो मैंने इसको हाथ से ही मैंने इसको कर लिया है क्रश। और ये अब देखिए तो कितना लग रहा है ना यम्मी यम्मी सा। तो इधर हम चेक कर लेते हैं गाजर को। तो गाजर ये देखिए 50% गाजर इसमें पक चुकी हैं और दूध का भी इसमें कलर आने लगा है। तो हमें इसको भी और भी ज़्यादा टाइम तक पकाना है। तो गाजर पाक बनाने में वही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे लगा कि थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, लेकिन आज भी मुझे अभी काफ़ी टाइम लग गया है। 5-5, 10-10 मिनट करते करते काफ़ी टाइम लग गया है। और ये देखिए इसमें इस तरीके से जो हमने घी डाला था और दूध वगैरह जो डाला था, वो सारा उसका जितना भी उसका मॉइस्चराइजर है सारा ये देखिए गाजर के ऊपर आ गया है और एक अलग सा कलर आ गया है गाजर पाक का। तो अब ये बनने के टाइम पर आ गया है, तो जब ये 80% अब ये पक गया है, तो उस टाइम पर मैं इसमें डाल दूंगी क्रश किया हुआ जो मैंने हाथों से किया है उसमें खोआ।
तो खोए का गाजर पाक में एक अलग सा ही टेस्ट आता है। आप इसको टोटली दूध में भी बना सकते हैं, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस रहेगी। तो मैंने खोआ इसमें डाल दिया और मैं इसको बिल्कुल सिम्पर कर दूंगी। इससे क्या होगा कि जो भी खोए का जो टेस्ट है और दूध का टेस्ट है वो सारा मिक्स हो जाएगा, गाजर में एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब आप देख सकते हैं कि खोआ डालने के बाद मुझे 5 मिनट हो गए हैं, 5 से 7 मिनट के बाद इसका ये वाला कलर अभी आ गया है। अभी मैं इसको 10 से 15 मिनट तक अभी धीमी आँच पर और मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल करना है ड्राई। और आप देख सकते हैं, और साथ में अभी मैंने बना ली अपने लिए चाय, तो मेरा चाय का भी टाइम हो गया है। तो तब तक गाजर पाक बनेगा तब तक मैं ले लेती हूँ एक चाय का ब्रेक, फिर मिलते हैं एक छोटू से ब्रेक के बाद। तो चाय मैंने ले ली है और एक बार मैं करछी से इसको सेट कर देती हूँ गाजर पाक को, ताकि ये तली में ना लगे, क्योंकि तली में लगने के बाद है ना फिर जलने की स्मेल आएगी इसमें और ना गाजर पाक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा मेरा। तो मुझे 1 घंटा हो गया है गाजर पाक बनाते बनाते, और क्वांटिटी कितनी कम है लेकिन फिर भी टाइमिंग हमारा उतना ही लगता है। तो ये देखिए, तो बस अभी मैं इसको रख दूंगी और सिम पर मैंने कर दी है फ्लेम। और इसके बाद चाय के साथ थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, अभी भूख लग गई है। और बस अभी फिर गाजर पाक बनके होने वाला है रेडी, और मुझे 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। तो आज मैंने बनाया है हलवाई स्टाइल में, बिल्कुल मस्त एकदम यम यम लगने वाला यमी यमी गाजर पाक। और देखिए खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, तो खुशबू तो आप आ नहीं रही होगी मेरी फोन में, और मस्त खुशबू आ रही है। और ये देखिए बस 2 से 3 मिनट और फिर गाजर का हलवा बनके हो जाएगा रेडी। और आज मैं इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूंगी, क्योंकि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डलेगा। तो ड्राई फ्रूट्स कम पसंद आता है गाजर के हलवे में, और हलवाई भी जब बनाते हैं ना तो वो ऊपर से ही गार्निश कर देते हैं, तो बीच में कमी डालते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप गार्निश कर सकते हैं आलमंड से, पिस्ता से, काजू से, तो ड्राई फ्रूट से आप गार्निश कर सकते हैं। तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, और मुझे लगा था कि हलवाई स्टाइल में है तो फटाफट बन जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और गाजर पाक भी काफी टाइम लेता है। तो मैंने क्रिसमस पर मैंने गाजर पाक की एक मैंने वीडियो शेयर की थी, तो उसके मुझे बहुत सारे उसके मुझे कमेंट आए थे कि एक दो ने ट्राई भी किया था तो काफी अच्छा बना था। तो आज मैंने थोड़ा सा मैंने डिफरेंट स्टाइल में बनाया है, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि लाइक बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो लेके आने के लिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए। तो बस हमारी बातों ही बातों में हमारा गाजर पाक ऑलमोस्ट हो गया है रेडी, और अब हम इसको 1 से 2 मिनट में और बस थोड़ा सा और इसको हल्का सा इसको हम होने देंगे ठीक, और फिर हम इसको गार्निश करेंगे अपने इससे, फिर हम इसको गार्निश करेंगे खोए से। तो कुछ मैंने इसमें डाल दिया था और कुछ मैं इससे करूंगी गार्निश, और तैयार हो जाएगा यमी यमी टेस्टी टेस्टी गाजर पाक। तो अगर आपको भी खाना है तो फटाफट से आ जाइए, प्लेट तैयार है, और लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए भाई, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी आज की एक छोटी सी रेसिपी कैसी लगी, और आप भी ऐसे ही बनाते हैं या नहीं। तो चलिए फिर गाजर पाक हो गया रेडी, और अब हम इसको गार्निश करेंगे यमी यमी खोए से। ये देखिए अब मैंने इसमें डाल दिया है ढेर सारा खोआ, और गाजर पाक बनकर हो गया है रेडी। फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, इसको हमें मेल्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। और ये हलवाई स्टाइल गाजर पाक है, और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं तो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें जरूर डालें, तो मैं नहीं डालूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि आज सबने मना कर दिया भाई कि ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना आपको तो इसलिए आज मैं ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं डालूंगी, तो विदाउट ड्राई फ्रूट्स ही आज मैं सर्व करने वाली हूँ। आप इसमें थोड़ा सा 1 पिंच इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आज मैंने बिल्कुल हलवाई स्टाइल में देसी स्टाइल में बनाया है, जिसमें कोई काजू बादाम कुछ नहीं जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए लग रहा है ना कितना यमी यमी सा। तो चलिए फिर ट्राई कीजिए, फटाफट से वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरी वीडियो जरूर देखना, और फिर ट्राई करना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी।
फिर मिलते हैं जल्द ही एक स्वीट सी रेसिपी के साथ, एक न्यू अफर्ट्स के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो ये देखिए गाजर पाक सबसे पहले ट्राई किया है मेरे शोना बेटा ने, है ना शोना बेटा। ये देखिए गुड़िया को दिया है मैंने गाजर पाक डाल के, और अभी गुड़िया बताएगी कैसा बना है। सच्ची सच्ची बता रहे ना मम्मी, सच्ची सच्ची बताओ मम्मी। यम्मी, वाओ, अच्छा लगा आपको गुड्डू को। हाँ। क्या खा रहे हो आप पहले ये बताओ जल्दी से। गाजर पाक। गाजर पाक किसने बनाया है? मम्मा ने। वाओ, आपको अच्छा लगा? हाँ। चलो पार दे दो मम्मा को इसी बात पे। आहा, तो चलिए गाइज मेरा गाजर पाक जो मैंने आज बनाया था उसकी मेरी सारी मेहनत हो गई है सफल अच्छे से, और क्योंकि बच्चे होते हैं भगवान का रूप, ठीक है जी। और ये ना जैसा इनको लगता है ना, अगर अच्छा नहीं बना होता तो मुझे पूरा पक्का पता है, तो ऐसे ही बोलती कि मम्मा अच्छा नहीं बना ना शाना। तो इसको अच्छा लगा है तो इसका मतलब 100% श्योर है कि गाजर पाक कैसा बना है। मैं सबसे 100% तो गाजर पाक अच्छा बना है पक्का। तो चलिए फिर मिलते हैं एक जल्दी ही एक न्यू वीडियो के साथ। तो मुझे लगा कि चलिए ये क्लिप आपके साथ शेयर कर दी जाए, तो ट्राई करना आप भी ऐसे ही और कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच। तो ये है आपके लिए, वाओ।